तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दोस्तों आज हमारा संडे के हिसाब से आज हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे साथ में है मिस्टर जियाउद्दीन, जो कि फेमस यूट्यूबर्स और हमारे एक इंजीनियर हैं मिस्टर काजी और मैं मुजीब। हम तीनों आज एक हफ डेजर्ट सफारी का लुत्फ लेने के लिए हम निकले हैं। तो दोस्तों ये हम लोग अभी इस जगह से निकल रहे हैं। हाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल में। आपने मुजीब साहब की बातें सुन ली होगी। अभी हम लोग निकल रहे हैं हाफ डेजर्ट रोड जिसका नाम है, जो कि अभी ये मौजूद है आपका इमरात रोड के अंदर। हालांकि उसमें कुछ खास नहीं है, डेजर्ट के अंदर रोड बनाए हुए हैं जो कि लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जो कुछ टिकटॉकर्स हो गए, कुछ बहुत सारे फिल्म मेकर्स वगैरह भी वहाँ पर जाते हैं। और बेसिकली ड्रोन हमारे पास नहीं है, तो हम जितना हो सके आप लोगों को वहाँ की सैर कराते हैं। अगर आप दुबई में हैं तो वो भी एक आपके लिए डेस्टिनेशन हो सकता है अच्छा घूमने के लिए, और अच्छा प्लेस है। तो हम लोग चलते हैं अभी रासल खोर रोड होते हुए इमरात रोड में हम लोग इंटर करेंगे, उसके बाद आप लोगों से वहाँ मिलते हैं मुजीब भाई और हमारे काजी साहब जो पीछे बैठे हुए हैं, काफ़ी कर्नाटक के स्पेशल बंदे हैं। तो हम लोग मिलते हैं वहाँ पे, लेट्स मूव। वैसी गाड़ी चाहिए एक्चुअली, हमारी गाड़ी थोड़ी छोटी है, 4x4 चाहिए, 4x4 की गाड़ी चाहिए। जैसा कि ये कार ऊपर चढ़ चुकी है, ये हाफ डेजर्ट इसको कहा जाता है। ये ओवरहेड के नीचे, ये हाफ डेजर्ट के ऊपर ये गाड़ी एंजॉय एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट एरिया है, मजा आएगा शूटिंग वूटिंग के लिए। रुका दिया है गाड़ी, कहाँ आ गया ना पीछे, तो अपनी गाड़ी तो बीच में ही रुक जाने वाली है। यही हाफ डेजर्ट है, ये रुका जी साहब, यही हाफ डेजर्ट रोड के दोनों तरफ। अगर इधर आएंगे तो बारबेक्यू के लिए आई थिंक बेस्ट है। अगर छुट्टियों में लोग यहाँ आते हैं, बारबेक्यू वगैरह करते हैं, तो ये छुट्टी बिताने के लिए बेस्ट जगह है। और यहाँ के लिए टैक्सी भी अवेलेबल है, आप लोग टैक्सी लेके आ सकते हैं। ऑफकोर्स कॉस्ट तो आएगा ही टैक्सी का, हमारे पास अपनी गाड़ी है तो हमें ईजी है। तो हम लोग थोड़ा अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं दुबई, मुझे भाई भी, हम लोग थोड़ा दुबई की चकाचौंध भरी लाइफ से थोड़ा दूर हटना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने ये चुना कि चलो बिल्डिंगें वगैरह तो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग कि आज कुछ हाफ डेजर्ट ही क्या चीज़ है देख लेते हैं, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर शूटिंग के लिए लोग आते हैं, देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग अपने कैंपिंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लुक है, नज़ारा क्या बोलते हैं मुझे भाई। बिल्कुल सही है, हाफ डेजर्ट का मायने ये है कि अपनी ओन गाड़ी इस सैंड स्टॉर्म में लेके जाइए आप और उसका लुत्फ लीजिए ऊपर नीचे, क्योंकि 4x4 गाड़ी होना चाहिए आपके पास। जैसा कि खासतौर पर अरबी लोगों के पास वो गाड़ियां होते हैं और वो लोग जो है कि संडे के दिन वो लोग ये एंजॉयमेंट के लिए इस तरफ आते हैं। और खासतौर पे हम भी एक सोचना चाहे कि चलो हम भी आज जाके देखिए कि हाफ डेजर्ट आखिर है क्या चीज़। हम भी एक माशाल्लाह एक हमारी भी खूबसूरत कार है और हम लोग उस सफर पर निकले हैं। फुल डेजर्ट एरिया और कुछ खास नहीं है, लेकिन खास भी है, फिर भी खास जी। अभी हमने सीधा ही जाना है, आई थिंक ये रोड देखे, रोड है इधर, देखिए ये रोड है, रोड ढक चुका है बालू से, डेजर्ट से सही में ढक चुका है ना, ये रोड ढक चुका है। जैसे हमारी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी भाई, इसलिए सॉरी दोस्तों, हमारी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, हमारी छोटी गाड़ी है, मीन सेडान है, एसयूवी चाहिए। अभी देखें आगे जैसे रास्ता आने वाला है, ये रास्ता देखें आगे क्लोज है, हालांकि यहाँ पे रास्ता है, ये रोड है, ये देखिए रोड है, ये रोड है, इसके लिए बड़ी गाड़ी चाहिए। मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, गाड़ी यहीं पर रोकता हूँ और बाहर का एक टूर करा देते हैं। तो दोस्तों ये हम पहुँच चुके हैं हाफ डेजर्ट में और हमारी गाड़ी हमने पार्क कर दी है। जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हाफ डेजर्ट एक्चुअली यही है, ये आप लोगों को दिखाई देगा। मुजीब साहब एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी सी नमी है हवा में और हल्की फुल्की थोड़ी सी रेती उड़ रही है। हाँ जी, और ख़ासतौर पर इस एरिया को क्या हम कहेंगे कि अरबी लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, नहीं कुछ एशियंस वगैरह सभी लोग आते हैं जिनके पास बड़ी गाड़ी है, एसयूवी, अच्छा बारबेक्यू करने के लिए जैसे यहाँ पर छुट्टियों में आते हैं बारबेक्यू का। और ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं टॉप करके कोशिश करता हूँ कि कहाँ तक का व्यू मिल जाए। ये डेजर्ट वाला एरिया है, हाफ डेजर्ट इसी का नाम है,
जगह जगह रास्ते बने हुए हैं और यहाँ पे लोग छुट्टियों में वक्त बिताने के लिए और वीडियो इन्फ्लुएंसर वगैरह यहाँ पर आते हैं वीडियो बनाने के लिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये जो सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पूरा ये रोड है डेजर्ट, सैंड स्टॉर्म की वजह से डेजर्ट यहाँ पर आके रुक गया है। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी नहीं पार की क्योंकि हमारी गाड़ी देख सकते हैं आप छोटी वाली है, यहाँ पे फंस जाने वाली थी। तो दैट्स वाई उस तरफ सामने अगर आप लोगों को दिखाई दे तो लोग कैंपिंग कर रहे हैं गाड़ी लगाकर। तो यही है बेसिकली, बड़ा डेजर्ट एरिया है और पूरे रास्ते बने हुए हैं रोड जहाँ तक गाड़ी जाती है, आप जा सकते हैं बड़ी गाड़ियाँ वगैरह वहाँ तक जाती है। तो ये कोई ख़ास जगह, अगर छुट्टियों में आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आ सकते हैं। तो ये एक मेरे हिसाब से जगह सही लगा मुझे, अगर कैंपिंग करना है छुट्टी बिताना है तो ये बेस्ट जगह हो सकता है। तो यही था गाइस, हाफ डेजर्ट, कोई ख़ास नहीं। हम लोग फिर और दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह मुजीब साहब। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड सब्सक्राइब और शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच एंड गॉड। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली बार।